गाइस आज फिर आने जा रहे हैं हम लोग सुबह सुबह टेबल के पीछे की सफाई, थोड़ी सी गंदगी हुई थी तो तारे असेंबल कर रहे हैं हम लोग ताकि गीले हाथ ना लगे। इसलिए जब मैं झाड़ू लगवाई थी ना, मेरे से ये निकली नहीं सारी तारे। यहाँ पे भी मैंने सैनिटाइजर डाल दिया इसके ऊपर, देखना ही निकल जाएगा। जाले निकले हैं, अभी एक बार अलग से पोंछा मार देना है। देखो यहाँ कुन किनारे में मेरे तार थोड़ा उठा के मारना, लग मुझे। हाँ ये पोंछे से खींच लिया। देखो सर्दियों में तो मैं ये दुख समझ सकता हूँ, लेकिन इस गर्मी में जहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री से भी ज़्यादा है, और ये वो महान इंसान है जो बेचारा नहाने में नहाने से कतरा रहा है। अगर मैं वही बता रहा हूँ, अगर सर्दियाँ होती, ये देखो 1:30 बजे 2 बजने वाले, अगर ये सर्दियों का टाइम होता तो मैं देखो मैं कैसा मानने को तैयार थे, लेकिन ये इंसान, जय हो इस इंसान की, जय हो। हाँ चप्पल जूतों से इनका स्वागत किया जाए। ये हमारे बन चुके हैं चावल, दिन की डाइट हम लेते हैं चावल की ताकि शाम तक वो डाइजेस्ट हो जाए। हाँ ये मैं रख के गया था क्योंकि मेरा रोटी खाने का मूड हो गया था चेंज। वैसे तो मैंने अपना खाना डालना शुरू कर दिया था, ये आलू की सब्जी, ये दही, ये डाल दी थी मैंने, और रोटी खाने का प्लान था, लेकिन सडनली मेरा मूड हुआ चेंज और उसके बाद मैंने ये चावल बना दिए हैं। इसमें मेरे भी हैं, तेरे भी हैं, और टिंगू जो ऑल टाइम प्रेजेंट होता है। मैं चाहे कुछ भी बने, इन दोनों के लिए ज़रूर बनता है, चाहे थोड़ा दें या ज़्यादा दें, लेकिन बनेगा ज़रूर। जैसे मीठा बनता था पहले, मीठा तो हम खिला देते थे, अब बिल्कुल भी नहीं खिलाते दोनों को, क्योंकि दोनों थोड़े से बीमार चल रहे हैं गर्मी की वजह से। और पहले मैं इनको इस टाइम पे ग्लूकोज भी पिला देता था, अभी मैंने इनको ग्लूकोज भी बंद किया हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मीठा बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे ग्लूकोज की फॉर्म में हो। और पहले तो ये आइसक्रीम भी खाते थे डेली के डेली, अब इनकी आइसक्रीम भी बंद हो गई है और सब कुछ बंद कर रखा है मीठा। अभी इनको सिर्फ ठंडा पानी पीने को मिलता है और लस्सी मिलती है सुबह भी और दिन में भी, रात को मिलता है इनको ठंडा दूध पीने को। और एक बार मैं अभी लंच कर लेता हूँ, फिर देन कंटिन्यू करते हैं इसको। जो भी लंच हमारा ख़त्म हो चुका है, और लंच के बाद क्या करते हैं, लंच के बाद हम सोते हैं। वहाँ पे रोमियो ने अपनी सीट पकड़ ली है, यहाँ पे मैंने भी अपनी सीट पकड़ ली है, बस अभी हम सो रहे हैं। शाम को देखते हैं किस टाइम तक उठेंगे, वैसे 5 बजे से पहले मैं उठ ही जाता हूँ। और फिर आज मैं इनको घुमा के लेके आऊँगा, तो आप लोगों को आज फिर रोमियो टिंगू से मिलवाया जाएगा, वही पुराने दिन वही पुरानी बातें होंगी। और इससे पहले मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, आप भी सो जाओ देता। शाम के बज चुके हैं 6 और रोमियो के और टिंगू के उठने का टाइम जस्ट हुआ है। अभी दोनों अंदर बैठे हैं तो इसलिए हलचल नहीं हुई कोई भी, लेकिन अभी थोड़ी सी बाहर धूप है, जैसे ही धूप खत्म होगी मैं दोनों को लेके चलूँगा घुमाने के लिए। और फिर हम इनको घुमाने के बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। गाड़ी का टायर हो चुका है चेक और इसमें भी कोई इशू है नहीं, तो इसीलिए हम इसको कुछ नहीं करवा रहे अभी। और अब यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि रोमियो को और डिंगो को पानी देना है। डिंगो घुमाते ही वापस एकदम से फटाफट भाग के आया, मेरे को लग रहा था कहीं दुकानें बंद ना हो जाए, तो वापस चलते हैं घर पे और रोमियो और डिंगो को थोड़ा सा पीने के लिए पानी देते हैं। गर्मी में रनिंग करने के बाद यही हालत हो जाती है, पानी की सख्त रिक्वायरमेंट रहती है। अरे पता नहीं, इंडिया में बहुत तगड़ा रूल है, कोई गाड़ी बैक हो रही हो ना उस गाड़ी को बैक नहीं होने दिया जाता। लेकिन हमने सक्सेसफुली गाड़ी बैक कर ली है और अब हम यू टर्न लेके, ये देखो जी, ये है हमारे इंडिया की महान पॉपुलेशन जो आपको कभी भी आगे पीछे नहीं बढ़ने देगी। और अगर हमारा फेवरेट गन्ने का जूस वाला मिला तो अभी गन्ने का जूस और लेके चलेंगे हम यहाँ से। मैं एक बार देखता हूँ भैया है या नहीं। एक चीज मेरे को समझ नहीं आती, लेफ्ट साइड तो मेरी, और ये लेफ्ट साइड में लोग क्यों घूस जाते हैं। ये देखो भाई साहब लेफ्ट साइड से गया,
मतलब मैं ना आज तक की बातें ना समझ नहीं पाया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जूस वाले भैया ने अपना सामान पैक कर दिया है, मशीन को पैक करके वो जा चुके हैं। अब हम भी अपना घर चलते हैं, कोई जूस नहीं दिया जाएगा अभी। वापस पानी पी के, नींबू पानी पी के काम चलाना पड़ेगा आज, और उसी से ही काम चलाएंगे क्योंकि वेट भी वापस से बढ़ गया है, वेट को कम करना जरूरी है। वापस घर पहुंच चुके हैं, गाड़ी को कर देते हैं बंद। और ये है पीछे हमारा पार्क जो कि काफी हरा भरा हो रखा है, और मैं अभी जाता हूँ अंदर।